आ गए हम लोग। आ तो गए हम लोग, हम लोग यहाँ पर आए क्यों है? तूने मुझे बोला कि एकदम बंठन के आना है। आज हम लोग पांडे के लिए रिश्ता देखने आए हैं। ओह वाह, पर रिश्ता देखने के लिए घर थोड़ा सा वीराना, थोड़ा खाली खाली सा नहीं है? देख, जिंदा लोग तो तेरे से रिश्ता मिलने वाले है नहीं, तो तेरे लिए हम मुर्दों का रिश्ता ढूंढने आए हैं। मतलब हम आज धूत ढूंढेंगे। मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा। अरे चल तो। क्या कर रहे? दरवाजा ठोक रहा हूँ ना। आते धूतों का घर है ये, डायरेक्ट खुलता है देख। तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ अंदर जाऊँ? हाँ, अकेले जा। अकेले क्यों जाऊँ? रिश्ता ढूंढ ले। रिश्ता नहीं मिला तो मैं तुझे बाहर से बंद कर दूंगी। तो मेरा रिश्ता कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा। अरे मुझे नहीं लगता हमने ये करना चाहिए। अब तो डेफिनेटली करना चाहिए। ए, क्या कर रही है ना? साले, भूत से ज्यादा डरावना चेहरा तो तू बना रहा है। यार क्योंकि मैं खुद डरा हुआ हूँ ना, है ना, मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है। देख यहाँ तो जितना अंधेरा दिख रहा है ना, और देख के तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत बुरा आइडिया है। तुम्हारी आवाज़ से समझ रहा है, तुम्हारी आवाज़ में थरथराहट है। नहीं वो तो वो एक्साइटमेंट है मुझे। यार है ना, मुझे ना ये भूत प्रेत और भूतनियों से बहुत डर लगता है। अरे तेरे को कोई भूतनियों से डर नहीं लगता, तेरा बस चले ना तो तू धूतनियों को भी नहीं छोड़े साले होशी इंसान। पांडे तू मोमबत्ती लेके आया है? हाँ। क्यों? यार हम भूत ढूंढने आए ना। भूत ढूंढने आए ना? अबे धूतनी की औलाद मोमबत्ती लेके भूत ढूंढने कौन होता है? अरे ताकि लाइट आए ना। लाइट? हाँ। और ये तेरे पूर्वज मरे हुए जो इधर फ्लैशलाइट मार रहे उसकी लाइट नहीं है? सठिया गया तू? तेरे को यही गाड़ दूंगी साले, तेरा धूत भी घूमते रहेगा इन सारे धूतों के बीच में, फिर इनके साथ में टिंडर टिंडर खेलते रहना। बस ठीक, थैंक यू, चलो धूत ढूंढते हैं। मेरे को नहीं ढूंढना यार। पांडे तुझे हवा का झोंका महसूस हुआ? मैंने भूतों के पिक्चर में देखा ये हवा का झोंका, मतलब भूत यही कहीं है। पांडे तेरे आजू बाजू देख साले, पूरी एरिया खुली है, हवा का झोंका नहीं, ये ठंड लग रही है तेरे को? ठंड है ये? ठंड बताओ, ये वेंट्रलोक्विस्ट को वेंटिलेटर के बारे में नहीं पता? वेंटिलेशन होता है वो। आज हो दिया तेरे को पता है क्या? हम आगे ढूंढते हैं, है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ऐसे चल के तेरा डर कम होने वाला है क्या? ऐसे भाग तो सकता हूँ ना यार। मैं तो वो भी नहीं कर सकती, मैं खुद धूत की जैसे हवा में लटक रही हूँ, मेरी तो फट रही है। चुप कर, ये कहाँ? अबे ये क्या है? एक मिनट, मैंने सोचा धूतिया घर में वो स्टार वार बनाया होगा, ऐसे डेढ़ दौड़ी ओड़ी तड़ी होंगे, यहाँ ट्रेडमिल क्या कर रहा है? यार भूतों को ट्रेडमिल की क्या जरूरत है? अरे हाँ, क्या हो गया? अरे वो भूत लोग भागते हैं ना बॉन्ड के पीछे, लोगों के पीछे, तो थकान महसूस ना हो इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते होंगे। वहाँ तो डंडेल ये, अरे वाह, अरे भूत तो अपना एकदम तगड़ा है। भूतनी भी हो सकती है ज्योति, ये देखो वेट अच्छे से उठाती है, पांडे तेरे को उठा के फेंक सकती है। ये क्या है? ये देखो भूत के भी अपने अपने मजे होते हैं। ये दवाई ऐसे सारे जगहों पे ये आईना वाईना देख के मेरे को डर लगता है। यार यहाँ पे एक दरवाजा भी है, ये दरवाजा बंद है। पांडे इस दरवाजे के अंदर ही भूत है, तो दरवाजा तोड़।
पर ये दरवाजा देख के तो ऐसा लगता है कि ये कोई बाथरूम का दरवाजा है, और ये अंदर से बंद क्यों है? वो भूत अंदर टट्टी कर रहा होगा। भूत क्यों, भूतनी भी तो हो सकती है ना, हमको पता कैसे चलेगा कि भूत है या भूतनी है? सिंपल है, दरवाजा तोड़ के देखेंगे, अगर टॉयलेट सीट उतर है तो लड़का, टॉयलेट सीट नीचे थी तो भूतनी। लड़का क्यों बोला तुमने, भूत क्यों नहीं बोला? सारे लड़के भूत ही होते हैं। एक काम करते हैं, फ्लश का वेट करते हैं। Much later. ना बहुत टाइम हो गया, अब फ्लश की आवाज नहीं आ रही है। डेफिनेटली अंदर भूत होगा, भूतनी नहीं। क्यों? क्योंकि लड़कों को टॉयलेट सीट, फ्लश, ये सारी चीजों का कोई अक्ल ही नहीं है। बोल इसका, बोल! तेरी मैं सिखाती हूँ तेरे को कैसा करने का। अंदर कोई नहीं है तो ये अंदर से लॉक क्यों था? पांडे, अगर तू इधर संडास कर रहा हो और कोई जोर जबरदस्ती से दरवाजा खोले तो तू अंदर के हेलो नमस्ते कैसे आप करते हुए बैठेगा कि खिड़की से कूद के बाहर निकलेगा? और देख उधर छेद है, कोई तो बाहर से निकला है। यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई, ये है भूत, ये मिल गया मेरे को भूत। कहाँ है? मेरे बाजू में खड़ा है, देख। है ना, वो मैं हूँ। ये दिखाने के लिए लायक तेरे को कि तेरे तो भूत से कम नहीं है। भूतिया घर में? देख मेरे को लाना तो कोई और तिया घर में था, मगर वो ऐसा कोई मिल नहीं रहा था तो भूतिया घर से कान चला लिया मैंने। तो मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है? नहीं, ये बहुत खाली प्लॉट पड़ा था, लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ लफड़ा चल रहा है, तो मैंने सोचा आओ और इनके जिंदगी में कलेश करें, बाकी सब चलते रहता है। और ये देखो, ये भूतनी दी तो पीछे से रिकॉर्ड कर रही है, इसको भी शर्म नहीं है।